ओ स्टोर का शूट है भाई दिल्ली में। अमन चलो बैग पैक करो। करना सर। तो भाई ऐसा है, स्टूडियो में तो हम वीडियो बनाते रहते हैं, आज हमारे को आउटडोर शूट का मौका मिला है। और हाँ, ये वीडियो AMD के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं। एंड आज हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली जाके हमें करना है एक स्टोर विजिट और वहाँ पे थोड़ी बहुत PC-VC की बातचीत करेंगे एंड देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स गो। और ये जो हमारी वीडियो है ना, ये उन 90% लोगों के लिए है जो PC बिल्ड करना चाहते हैं बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगा लें और खुद बिल्ड करें। एंड आज भी 90% लोग ऑफलाइन ही विजिट करते हैं क्योंकि ऑफलाइन में आपको क्या होता है ना, एक अच्छे से आपको ऑफर्स भी पता लग जाते हैं और कैसा PC बिल्ड करना है, मतलब राइट चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको ऑफलाइन गाइडेंस मिलती है वो ऑनलाइन में आपको सारा खुद ही करना पड़ता है। और ऑफलाइन में भी सबसे बड़ी बात आती है ट्रस्टेड स्टोर, कहीं जाओ तो आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले, वरना तुम्हें पता ही आजकल इंडिया में चल क्या रहा है, जब से ग्राफिक कार्ड के प्राइस बढ़े तब से तो और ही दो नंबर की चीजें चल रही हैं। एंड एक ट्रस्टेड स्टोर पे आपको सामान तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको PC बिल्ड में क्या राइट चॉइस रहने वाली है, जैसे कौन सा CPU, कौन सा GPU, मदरबोर्ड, आजकल तो फिर SSD में स्टोरेज में दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और यहाँ पे जब CPU GPU की बात चल रही है, यहाँ पे आप AMD का एग्जांपल ले लो, AMD CPU और GPU दोनों का कॉम्बिनेशन आता है और उसके साथ राइट सॉफ्टवेयर जिससे उनके CPU और GPU सही से कैलिब्रेट होकर चले, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है जब आप PC बिल्ड करते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेनली रीजन यही है, आप स्टोर विजिट करेंगे तो काफी चीजें आपको पता लगेंगी कि क्या क्या PC बिल्ड में आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम आए हैं नेहरू प्लेस। और आज हम आए हैं फैंटम PC स्टोर पे और ये है गेमर्स हेवन। आज तक जितने PC बिल्ड वगैरह हम कर रहे थे अपने स्टूडियो वगैरह में, बट आज जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी ऑन कैमरा और ऑन स्टोर होने वाली हैं। RGB ग्राफिक कार्ड, हर वो चीज जिससे हमारे को ज्यादा FPS मिलते हैं। अब ज्यादा FPS लेने के लिए PC बिल्ड के कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई, उसके लिए तो स्टोर ओनर से मिलना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ नमन सर। हाय सर, कैसे हो? हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब सर, जैसे मैं सोच रहा था अगर मेरे को 1,00,000 तक का PC बिल्ड करना हो, जैसे मैं गेमर और क्रिएटर हूँ तो एडिटिंग करनी हो या गेम वेम खेलने हो, करेक्ट, तो क्या कॉम्बिनेशन रह सकते हैं? सर जैसे गेमिंग अगर हम फुल HD भी कर रहे हैं तो आपको बहुत एक हाई एंड CPU नहीं चाहिए, 5600X हो गया वो सफिशियंट है। ठीक। और अगर आपको 4K गेमिंग करनी है, 2K गेमिंग करनी है, तो 5600X का एक बेटर ग्राफिक कार्ड ले लो उस बजट के अंदर, तो आपके लिए बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। तो 6700XT हो गया। सो भैया हर एक कस्टमर के अपने अपने रिक्वायरमेंट है, जैसे जिनको एडिटिंग के लिए चाहिए तो उनको मल्टीकोर परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए और GPU यूटिलाइजेशन कम होती है एडिटिंग के टाइम पे, बिकॉज जब रेंडरिंग हो रही होती है सिर्फ CPU यूटिलाइज होता है और GPU यूटिलाइजेशन मिनिमम होती है। जब आप टाइमलाइन बना रहे होते हो उस टाइम पे आपको GPU यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है प्रीव्यू देखने में, प्रीव्यू और एक्सपोर्ट मारने में, एक्सपोर्ट मारने में, तो उस केस में आपको GPU अच्छा चाहिए होता है। तो उसमें ऐसा हो गया कि 5800X CPU यूज कर लो, उसके बाद 6700XT आपका ग्राफिक कार्ड हो गया, ये 1,00,000 के अंडर में मतलब PC बिल्ड बढ़िया आपका उस बजट में आपका हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन। ठीक। और अगर आपको गेमिंग के हिसाब से चाहिए तो 5600X CPU हो गया आपका और 6600XT, वो आपका और बजट नीचे हो जाएगा, उस 70-75 में आपका फुल HD गेमिंग बिल्कुल परफेक्ट, फुल HD गेमिंग आराम से बंदा कर सकता है। और अगर बाय चांस मैं चाहूँ कि 50,000 मुझे और ऐड करने हैं, तो मतलब मुझे 4K गेमिंग भी करनी है, तगड़ी एडिटिंग भी करनी है और हो सके मैं स्ट्रीमिंग भी कर लूँ, उस केस में क्या है 5900X या 5950X CPU अपना यूज कर सकते हैं। उसके बाद 6900XT हो गया आपका जो ग्राफिक कार्ड है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका रफली 1.5 लाख में आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, 1.5 लाख में पूरा आपका मोर ऑर लेस टॉप एंड ही कह सकते हो इन मेजर सिनेरियोज। इसमें सारे 4K गेम, शैडो ऑफ द टूम रेडर हो गया, रेड डेड रिडेम्पशन 2 हो गया, जो पुराने GTA के फैंस है वो GTA फुल FPS फुल 4K मतलब 60 प्लस तो मिलने मिलने, अरे आराम से 60 तो बड़े आराम से आ जाएगा 4K पे। तो भाई AMD के कॉम्बिनेशन में आराम से 1.5 लाख के अंडर या इवन 1,00,000 के अंडर आप 2K गेमिंग कर सकते हो और 1.5 लाख के अंडर 4K गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग प्लस एडिटिंग, मतलब फुल फ्लेज्ड पैकेज आप ले सकते हो। करेक्ट। जैसे 50,000 ऐड करने के बाद जो आपने CPU और GPU कॉम्बिनेशन बताया, हाँ। उसके अलावा क्या एडवांटेजेस मिलेंगे मेरे को बिल्ड में? अब देखो जैसे AMD में बहुत सी चीजें हैं कि जो आपका B550 चिपसेट है और X570 चिपसेट है वो दोनों PCIe Gen 4 एनेबल्ड है, तो आपकी जो जनरल Gen 3 SSD होती है उसकी एवरेज स्पीड 2000 MBPS होती है। Gen 4 SSDs जो नई SSDs आई हैं वो 3500+ MBPS पे ऑपरेट करती हैं, तो मोस्टली जो SSDs Gen 4 वाली है 5000 MBPS की स्पीड पे आपको मिल जाएंगी, तो वो वाला फीचर आप एनेबल कर सकते हो, आप उसके हिसाब से अपना बजट अकॉर्डिंगली मदरबोर्ड अपग्रेड करेंगे तो Gen 4 के लिए भी ऑप्शन हमारे लिए। और फिर जैसे आप अपना मदरबोर्ड पे बजट इंप्रूव करोगे M4 सॉकेट पे, आपके VRM बेटर हो जाएंगे तो आपकी CPU परफॉर्मेंस वैसे ही बढ़ जाएगी। ओके।
अब आपका कहना है कि दोनों AMD के CPU और GPU लगाए हैं, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेगा? तो सर जब अभी रिसेंट जनरेशन में Ryzen 3rd और Ryzen 5th जनरेशन में बड़ा अच्छा फीचर निकाले AMD मैंने, जिसमें आपका प्रिसीजन बूस्ट 2 आ जाता है, FSR आ जाता है, RSR आ जाता है। तो बेसिकली होता है कैसा, जो ग्राफिक कार्ड है उसका काम है जो टेक्सचर्स हैं और जो रेंडर्स हैं उनको प्रोसेस करना और स्क्रीन पर दिखाने का। अब उसको वो डेटा फीड करने का काम होता है CPU का। तो AMD के दोनों कंपोनेंट यूज करने से क्या होता है, जो ग्राफिक का डेटा प्रोसेस कर जा रहा है उतनी ही स्पीड से उस डेटा को फीड करने का काम CPU का होना चाहिए, तो जाके बॉटलनेकिंग नहीं होगी। तो ये बॉटलनेकिंग ना हो और उसको प्रॉपर तरीके से डेटा मिलते रहे, इसीलिए AMD ये फीचर्स लेके आए अपने CPU। तो वो जब कॉम्बिनेशन होगा AMD का CPU और GPU का, तो ये चीज ज्यादा बेटर वर्क करेगी। तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल जाएगी FPS में, और आपको जो ओवरऑल आउटपुट है गेमिंग का वो मच बेटर मिलेगा। तो बेनिफिट बहुत है भाई AMD GPU और CPU के। अभी आपने कुछ टर्म्स यूज करी जैसे प्रिसीजन बूस्ट 2 और FSR, मतलब ये क्या है ऐसा, कि कुछ थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। ठीक है, अब होता है ऐसा, जो CPU आप लेते हो वो CPU हमेशा फुल क्लॉक स्पीड पर ऑपरेट नहीं करता। अब AMD ने क्या किया है, बहुत स्मार्टली सॉफ्टवेयर BIOS और एक हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बनाया है, और उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया प्रिसीजन बूस्ट 2। ठीक है, तो जो CPU है जब भी सिस्टम को लगता है कि हाँ उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपने रेंडरिंग स्टार्ट करी, तो इमीडिएटली क्लॉक स्पीड बढ़ा देता है CPU की। अच्छा, तो जो एक तो डिले नहीं होता बढ़ाने में, मतलब फ्रेम ड्रॉप आने वाला होगा वो उसको कवर अप कर लेगा, और AI को यूज करके वो स्पेसिफिकली उन कोर्स की क्लॉक स्पीड बढ़ा देगा जहाँ पे उनको यूटिलाइज होना है। आपका प्रिसीजन बूस्ट 2 तो ये हो गया, दूसरा हो गया FSR जो होता है फिडिलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन, ये होता है आपका FSR। इस टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक कार्ड जो है वो रेंडर करता है फ्रेम्स को, लेकिन उसको डेटा भी तो चाहिए ना रेंडर करने के लिए, वो डेटा प्रोवाइड करने का काम CPU को होता है। तो अब FSR से क्या होता है, ये भी वही AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें CPU कंटिन्यूअसली डेटा फीड करता रहेगा करेक्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, ताकि करेक्टली वो उसको रेंडर कर पाए, मतलब आपका जल्दी जल्दी फ्रेम ड्रॉप ना हो, आपके जल्दी जल्दी फ्रेम्स रेंडर हो पाए। जैसे अब गेम्स हो गए, Assassin's Creed Valhalla हो गया, Far Cry 6 हो गया, इन सब गेम्स से बेंचमार्क से 20-25% आपका FPS इंप्रूव हो रहा है सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को एनेबल करने से। तो ये बहुत अच्छी कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर काफी AMD ने इन्वेस्ट किया है, और अब आउटपुट उनको उस चीज़ का मिल रहा है। तो अगर आप AMD का CPU और GPU कॉम्बिनेशन यूज करते हो, जो इनकी स्पेशल फीचर्स है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है AI बेस्ड, उससे आपको काफी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस मिलेगी गेम प्ले में या फिर जितना भी प्रोडक्टिविटी का आप काम करने वाले हो। तो भाई ये तो पूरी बातचीत होगी AMD CPU GPU के बारे में, PC बिल्ड के थोड़े बहुत आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको बिल्ड करना है 1-1.5 लाख में तो क्या क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। और मेन चीज मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप भी PC बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप फैंटम PC स्टोर को कंसिडर कर सकते हो, नेहरू प्लेस में है ये दिल्ली में, तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे विजिट करना। और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से नेहरू प्लेस नाम है, और आप भी चीज का ध्यान रखना, जब भी नेहरू प्लेस आओ तो ये नहीं कि पैसे बचा लो, ओपन बॉक्सेस वाला सामान ले लो या फिर सेकंड हैंड सामान ले लो, बिना GST बिल वाला ले लो। तो ये जो फैंटम PC स्टोर है ये AMD का ऑथराइज स्टोर है, यहाँ पे आपको जेन्युइन AMD पार्ट्स मिलेंगे, फिर चाहे CPU हो GPU हो। तो अगर आपको यहाँ पे अपना PC बिल्ड करना है तो काफी जेन्युइन प्राइसिंग पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इनका जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऑन स्क्रीन भी आपके आ रही होंगी। तो नमन सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को भी काफी अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी इस वीडियो से। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना था, अगर वीडियो पसंद आई तो वही आप बोलो, आज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। यस, और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा, फुल ओपन बातचीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।